जम्मू पुलिस ने नरवाल इलाके में हुए दो धमाकों के मुख्य आतंकी को पकड़ लिया है। उसके साथ परफ्यूम आईडी भी बरामद की गई है। पता चला है कि आरोपी ने ब्लास्ट पाकिस्तानी आतंकवादियों के कहने पर किए थे। वो कटरा बस स्टेशन पर हुए धमाके में भी शामिल था। डीजीपी ने बताया कि पहली बार ब्लास्ट में परफ्यूम आईडी का इस्तेमाल किया गया है। तो जो बम धमाके हुए थे उनके मुख्य आरोपी आतंकी को गिरफ्तार कर लिया गया है और पहली बार परफ्यूम बम का इस्तेमाल किया गया है। ये परफ्यूम की बोतल में एक आईडी बनाई गई है और परफ्यूम की बोतल में इस तरह के बम का इस्तेमाल किया गया है। यह अपने आप में पहला इस्तेमाल है परफ्यूम आईडी का जम्मू कश्मीर में। आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है। पुलिस यहां आरोपी को मीडिया के सामने पेश कर रही है। आपके स्क्रीन पर वो परफ्यूम आईडी की तस्वीर। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह। डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।